नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा आयरिस पैसेंजर व्हीकल के बारे में। टाटा आयरिस एक पैसेंजर व्हीकल है जो कि सीएनजी और पेट्रोल दोनों ही ऑप्शन के साथ आती है और यह ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा साधन है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा आयरिस ईवे के बारे में, जो कि जल्दी शोकेस किया गया था ऑटो एक्सपो में टाटा के द्वारा। चूँकि जिस प्रकार से पोल्यूशन और पेट्रोल के प्राइजेस रेज हो रहे हैं, तो टाटा ने भी सोचा चलो यार अब कुछ ट्रांसपोर्टेशन में भी अलग करके दिखाना होगा। तो जो टाटा आयरिस ईवी है वो उसका डिज़ाइन कुछ सेम टू सेम पुराने वाले टाटा आयरिस की तरह देखने को मिलता है। तो टाटा आयरिस में आपको 4 सीटर और 5 सीटर का ऑप्शन देखने को मिलता है और इसमें 0 इमिशन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। मतलब कि आप जानते हो कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक कार या व्हीकल चलती है तो उसे थोड़ी सी भी नॉइस नहीं होती है, ना ही पोल्यूशन ना ही नॉइस पोल्यूशन। अब लोग बात करें टाटा आयरिस के सबसे मेन फैक्टर, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सबसे मेन फैक्टर होता है उसकी मोटर और बैटरी पावर के बारे में। तो टाटा आयरिस में आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर देखने को मिलता है जिसका पावर है 15 किलोवाट। टॉप स्पीड की बात करूँ तो टाटा आयरिस आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफ़र करा सकती है। यहाँ पर आपको गियरबॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिंगल स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता है। चूँकि आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई गियर नहीं होती है, बस आप एक्सलेटर लीजिए और निकल पड़िए। बैटरी के मामले में बात करें तो आपको लिथियम आयन 48 वोल्ट की बैटरी देखने को मिलती है, जो कंपनी क्लेम करती है इसकी बैटरी की लाइफ काफ़ी लंबी है। बैटरी को आप 5 घंटों में फुल चार्ज करके 100 किलोमीटर तक का राइड ले सकते हो, जो कि एक अच्छा है। लेकिन 100 किलोमीटर तक का रेंज एज अगर आप ट्रांसपोर्टेशन या फिर अगर आप कमाने के लिए करना चाहते हैं तो शायद कम लगता होगा आप लोगों को। तो चार्ज के मामले में बात करो तो यहाँ पर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब कि आप जब भी ब्रेक्स मारते हो तो आपकी यहाँ पर बैटरी चार्ज हो सकती है। और यहाँ पर एक इमरजेंसी फीचर लगा रखा है कि टाटा अपने जगह जगह जहाँ अगर आप नज़दीकी कहीं भी रहेंगे टाटा के पेट्रोल रिचार्जिंग स्टेशन से, तो आपको तुरंत वहाँ पर चार्जिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। अब दोस्तों बात करें ब्रेक्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको टाटा की तरफ से चारों ही टायर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे, कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं देखने को मिलता है। 140 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 3.5 मीटर का टर्निंग रेडियस देखने को मिलता है। टर्निंग गाड़ी की काफ़ी आसान होने वाली है, कितना भी हैवी ट्रैफिक रहे आराम के साथ हो जाएगी। अब दोस्तों ये तो बात हो गई पूरे टाटा आयरिस ईवी के बारे में। अब बात करें क्या ये कब तक आएगी और कब तक बाजार में इसके आने के चांसेस हैं। तो अभी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर टाटा आयरिस ने अभी टाटा की तरफ से कोई भी खुलासा नहीं हुआ है इसकी प्राइस कितनी होने वाली है। लेकिन एक्सपेक्टेशन है तो मतलब एक्सपेक्टेशन तो यही रहने वाली, जो टाटा आयरिस की अभी प्रेजेंट टाइम पर प्राइस है उसी के आसपास होने की इसकी संभावना है। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं क्या करती है टाटा आयरिस ईवी बाजार में क्या। तो अभी के लिए इतना ही, अपना जरूर कमेंट जरूर शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। एम करते हैं 15 लाइक के लिए और साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही पड़े बगल में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना खूब ध्यान, गुड बाय।